नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक क्रैकर यूट्यूब चैनल। तो फिर से हम आ चुके हैं हर बार की तरह आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो आपको बेहतर बनाने के लिए। एंड इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना और बेल वाला आइकन जरूर से प्रेस कर लेना ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज मेनली हम बात करने वाले हैं एक वॉइस चेंजर के बारे में। तो वॉइस चेंजर की हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि वॉइस चेंजर पर हम वीडियो बनाए, क्योंकि वॉइस चेंजर हमें मिलता नहीं है और हमें कई बार अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करने के लिए या फिर किसी से अपनी आइडेंटिटी छुपानी है एज ए जॉब पर्पज, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कैसे अपने पीसी में अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं एंड इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक सिंपल सा तरीका है जिससे कि आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। एंड एक पॉपुलर गेम है जिसका नाम है फ्री फायर, और ये इस गेम का एक फेमस यूट्यूबर है जिसका नाम है राइस्टार। तो उसकी वॉइस, वो एक वॉइस चेंजर यूज करता है, तो उनकी जो वॉइस है उसका हमें मैसेज आए हैं कि उनकी वॉइस जो है हमें निकालनी नहीं आती है या फिर वॉइस चेंजर नहीं मिल रहा है। तो आज हम बताने वाले आपको कैसे जो पॉपुलर यूट्यूबर है उसकी वॉइस आप निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में एक पिन लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपका ऐसा कुछ क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा ये लिंक। लिंक जैसे ही ओपन होता है तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड 64 बिट। अगर आपका 64 बिट सिस्टम है, यानी कि आपका जो पीसी है वो 64 बिट है, तो आपको ये वाला डाउनलोड मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये भी 64 बिट के लिए ही है। लेकिन ये उनके लिए है जिनकी रैम 8 GB है या फिर उससे ज्यादा है। ये 4 GB के लिए है एंड ये सुटेबल भी रहता है हर एक के लिए, क्योंकि मैं भी पर्सनली इसको बहुत यूज करता हूँ एंड रेकमेंड करता हूँ आपको इसी को डाउनलोड करें आप। एंड 32 बिट अगर आपका सिस्टम है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे माउस का कर्सर आप देख सकते हैं। एंड क्रोम बुक के लिए आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने इसे कर रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ऐसा कुछ आपको इसका आइकन देखने को मिल जाएगा, जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते ही आपका ऐसा कुछ लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप अपना ये पहले तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है टर्न ऑफ का, एंड सेकंड हमारा ऑप्शन आपको मिल जाता है सेट वॉइस चेंजर का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको अलग अलग तरह के बहुत से वॉइसेस मिल जाते हैं, जैसे कि एक ये एलियन का है। एंड मेनली जो बात होने वाली है वो एक पॉपुलर यूट्यूबर राइस्टार नाम है जिनका, उनके बारे में होने वाली है, उनकी वॉइस को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कस्टम पिच पर आ जाना है एंड यहाँ से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आपको यहाँ पे 9.80 पे इसे सेट कर देना है। अब मैं बता दूं दोस्तों, इसे देखने से पहले आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है, क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है और हम बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते हैं, बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते हैं। तो इसलिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं हमारी वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद। तो जैसे कि अभी मैं आपको वॉइस चेंज करके दिखाता हूं, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं कस्टम पिच पर, तो देखना मेरी वॉइस थोड़ी आपको पूरी चेंजमेंट दिखेगी। तो अभी मैं क्लिक कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। नमस्कार दोस्तों,
स्वागत है आप सभी का फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं हूँ हिमांशु और आप देख रहे हैं टैग क्रैकर यूट्यूब चैनल। तो देख सकते हैं मेरी वॉइस चेंज हो गई है एंड आप यहाँ से अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। अब इसका एक और आपको फीचर मिल जाता है, अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि नीचे की तरफ इसका कोई भी अलग से टास्क बार में आइकन नहीं बनता है। ये आइकन इसका आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से भी आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसे राइट क्लिक करके आप इसे मैनेज कर सकते हैं और आप जैसे कि होल में आपको ये साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं एंड बहुत से आपको यहाँ पर मिल जाते हैं साउंड इफेक्ट्स और साउंड्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं इसको। और बाकी आज की वीडियो में इतना ही। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं ये ब्लैक बैकग्राउंड क्यों रखता हूँ, तो ये मैं परफॉर्मेंस के लिए रखता हूँ, मेरे पीसी की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। अब अगर किसी को समझ नहीं आया तो हमारी अगली वीडियो आने वाली है पीसी की परफॉर्मेंस पर, और उसे देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसमें मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पीसी की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, और उसमें मैं हर एक ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को लाइक करके इसको एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल वाला आइकन दबा देना, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और इससे अगली वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर से आपको मिल जाए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।